कांग दे रंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है और आज मैं एक और मैच की समीक्षा के साथ आपके साथ उपस्थित हूं। आज बहुत इंपॉर्टेंट मैच था ट्रेंट ब्रिज नॉटिंघम में वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान के बीच में। दोनों ही टीमों को अपना वर्ल्ड कप का कैंपेन शुरू करना था और ऐसा लग रहा था कि शायद यहाँ पर पाकिस्तान कुछ टक्कर देगा, लेकिन ये मुकाबला लगभग एक तरफा रहा। मैच वहीं थोड़ा सा झुक गया था वेस्टइंडीज के पक्ष में जब कप्तान जेसन होल्डर ने टॉस जीता और पहले पाकिस्तान को बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। पाकिस्तान टीम हालांकि पिछले काफी दिनों से इंग्लैंड में खेल रही है, लेकिन वो बुरी तरह हारी है इंग्लैंड से और उसके बाद आज उनसे उम्मीद थी कि शायद वो वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए अच्छा प्रदर्शन करेंगे, लेकिन टीम ने जिस तरीके से अपने विकेट खोए और जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर गई, केवल 105 रन बनाकर आउट होगी, वो पाकिस्तान टीम प्रबंधन के लिए चिंता का विषय होगा। ऐसी बात नहीं कि वेस्टइंडीज ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की, गेंदबाजी बहुत अच्छी की। जेसन होल्डर ने 3 विकेट लिए, उशांत थॉमस ने 27 रन देकर 4 विकेट लिए और वो हकदार थे मैन ऑफ द मैच बनने के लिए। इसका एक और फर्क ये पड़ा कि वेस्टइंडीज की टीम आईपीएल में जितना इंडिया में खेली, उनके बल्लेबाजों को जो प्रैक्टिस मिली, शायद वो पाकिस्तान को प्रैक्टिस नहीं मिली और बारिश की संभावना थी, इसलिए जब 106 रन का लक्ष्य का पीछा कर रही थी वेस्टइंडीज की टीम, उन्होंने तेज गति से रन बनाने शुरू किए, कहीं बारिश ना आ जाए, मैच रुक ना जाए और इसी चक्कर में 3 विकेट भी गए। हालांकि तारीफ करनी पड़ेगी, श्रेय हम नहीं ले सकते मोहम्मद आमिर से, जो कि अपना पहला विश्व कप खेल रहे हैं और पिछले 2 विश्व कप में भी वो कंटेंडर थे, लेकिन मैच फिक्सिंग में फंसे होने की वजह से वो विश्व कप नहीं खेल पाए थे। उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी की, जो क्लाउडी मौसम था उसका उन्होंने फायदा उठाया, लेकिन बल्लेबाजों ने निराश किया, ताश के पत्तों की तरह उड़े। केवल बाबर आजम और एक और बल्लेबाज ने 22 22 रन बनाए, फखर जमा और उसके बाद कोई भी बल्लेबाज। आखिर में वहाब रियाज ने थोड़े हाथ जरूर दिखाए। पाकिस्तान अगर शुरू से T20 मोड की बजाय वनडे मोड में खेलता तो शायद बड़ा लक्ष्य दे सकता था। तो 2 अंक मिल चुके हैं इस समय वेस्टइंडीज को और वेस्टइंडीज को अभी तक इस विश्व कप का कंटेंडर नहीं माना जा रहा, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और भारत के बाद अगर कोई चौथी टीम है जो कि सेमीफाइनल में पहुंचने के लायक है, वो है वेस्टइंडीज की टीम। तो इस तरह से वेस्टइंडीज ने एक तरफा मुकाबले में पाकिस्तान को हराकर 2 अंक हासिल किए। पाकिस्तान की टीम अब सोचेगी, क्योंकि उसको अगला मुकाबला इंग्लैंड के साथ है, वो उनके लिए चिंता का विषय होगा, रीग्रुप करना होगा। और ये भी कहना चाहूंगा मैं कि पाकिस्तान हर बड़े आईसीसी टूर्नामेंट में पहला मैच हारती है, बाद में बाउंस बैक करती है। और अगर हम कल के मैच की बात करें, कल एक इम्पोर्टेंट मैच है न्यूजीलैंड और श्रीलंका के बीच, लेकिन कार्डिफ में ये मुकाबला होगा। यहाँ पर न्यूजीलैंड का पलड़ा मुझे भारी दिखाई देता है। कागजों पे देखें न्यूजीलैंड की टीम काफ़ी सॉलिड है, उनके केन विलियमसन, मार्टिन गप्टिल बहुत अच्छी फॉर्म में है और उनके अगर गेंदबाजों की बात करें और ट्रेंट बोल्ट और टिम साउदी, लॉकी फर्गूसन ऐसे नाम हैं जो कि यहाँ आईपीएल में भी खेले और बहुत अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं। अगर श्रीलंका की बात करें, एक लासित मलिंगा है जिनके ऊपर उमर हावी है। हालांकि आईपीएल में उन्होंने आखिरी गेंद पर, आपको याद होगा, विकेट लेकर मुंबई इंडियन को जितवाया था। बल्लेबाजी में कोई खास दम नहीं दिखाई दे रहा मुझे श्रीलंका के, तो मैं ये मानूंगा कि यहां पर न्यूजीलैंड का पलड़ा श्रीलंका के मुकाबले भारी रहेगा। कांगदेरंग में इसी तरह से मैं विश्व कप के मैचों की समीक्षा लेकर आपके सामने आता रहूंगा। अब आगे दीजिए, नमस्कार।